साथ जुड़ रहे हैं ए के मिश्रा। एक मिनट, ए के मिश्रा जी के पास मैं जा रही हूँ। ए के मिश्रा जी, एक बात बताइए, सबको पता है इतिहास और सबको पता है कि कैसे लेफ्ट के सपोर्ट से सरकार चल रही थी उस समय। इनके पास इतनी शक्ति थी कि ये कहते एमएसपी गारंटी कानून बनाइए तो बनता। मैं गलत कह रही हूँ क्या? कहा इन्होंने? अगर ये लोग उस वक्त किसान की सुनते, देखिए इन्होंने बहुत बड़े, सुनिए, इन्होंने बहुत बड़े बड़े किसान पैदा किए। जब इनकी सरकार थी तो रॉबर्ट्स वाड्रा को ये किसान बनाने में लगे थे ताकि वो आलू से सोना बनाने की फैक्ट्री लगा सके। सैकड़ों एकड़ जमीन इन्होंने रॉबर्ट्स वाड्रा को किसान बनाने के लिए इतने सस्ते दामों में दे दिया, राजस्थान में दे दिया। तो अपना काम तो ये कर रहे थे ना, ये अपना काम तो कर रहे थे। आलू से फैक्ट्री, आलू से सोना निकालने की फैक्ट्री ये लगा रहे थे। इनको क्या पता जब किसान फांसी पर लटक रहे थे और उसका सलूशन आ जा रहा है, आज उसका सलूशन आ रहा है कि इंडस्ट्री को करके किसानों को फायदा मिले, तो ये चिल्ला रहे हैं। इनके लिए किसान केवल रॉबर्ट वाड्रा है, इनके लिए किसान एनसीपी नेता शरद पवार के भतीजे हैं। जब उनसे महाराष्ट्र के किसानों ने पूछा पानी नहीं है तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? आप बताइए, आप रिकॉर्डिंग देखिए, वो इन्होंने क्या जवाब दिया था? वही किसान है, वही करेंगे, वही आलू से सोना बनाने की फैक्ट्री लगा दी आपने। कम से कम आलू से चिप्स बनाने की फैक्ट्री लगा देते हैं ना। आलू से उनका ऑडियो ठीक हो गया है। दानिश जी, पहले तो आप ये बताइए, वीर बड़े चलो लेकिन तुम इटली क्यों चलो? वो आपके नेता क्यों गए? आप तो पहले ये बता दीजिए, यहाँ पर चिंगारी लगाई, यहाँ पर भड़काने की बात कर दी, वहां से जिंदा रखने के लिए जो जड़ी बूटी ढूंढ रहे हैं उसमें सुन लीजिए, उन्हें भी नकार रहे हैं, उन्हें नकार रहे हैं किसान। समर्थन करते रहेंगे सर, मुझे तो चौधरी सवित, हाँ सुनील जी, ये देखिए मुझे तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग किसान की लाशों पर भी राजनीति करने वाले हैं। किसान के फायदे के लिए सरकार अगर कानून लाती है, मैं एक चीज पूछती हूँ, किसान हितों में दानिश कुरैशी आप बोल रहे हैं, किसान हितों में, एक मिनट रुक जाइए दानिश जी, एक मिनट रुक जाइए, मैं इकबाल सिंह लालपुरा के पास जा रही हूँ। इकबाल जी को लीजिए। इकबाल जी, मुझे एक बात बताइए, मंडियां हो, किसान का भला हो, वहाँ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आंदोलन तो यहाँ है, दिल्ली में है, दिल्ली के बॉर्डरों पर है मिश्रा जी, इसलिए यहाँ पर नेता पहुँचते हैं, यहाँ बैठकें भी हो रही हैं, यहाँ बैठकें भी हो रही हैं, बॉर्डरों पर नेता भी जा रहे हैं मिश्रा जी, जो अधिसूचित करते हैं दिल्ली में, वो नेता भी जाकर किसानों के साथ कहते हैं कि इनको हटाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो जमींदार लोग बैठे हैं जो आजादी के बाद से जो किसान थे वो जमींदार यहाँ पे बन गए, 35 लाख की गाड़ियाँ, स्पा और गीजर लेकर के। और रही बात जो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने किसी से पूछा नहीं, इनके कहने का मतलब है कि भाई इनसे पूछते, विपक्ष के नेताओं से पूछते। अरे जब किसान लगातार आजादी के बाद से आत्महत्या कर रहे थे और सरकार एक प्रयास कर रही है कि उनके पास पैसे जाए, कैश जाए और आत्महत्याएं रुके, तो आप लोग क्या ये चाहते हो कि किसान पेड़ों पे लटक लटक के आत्महत्याएं करते रहे? आप लोग क्यों नहीं इस बिल को लाने देना चाहते हैं? मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। खेती किसानी से दूर दूर का आप लोगों का कहीं कोई नाता नहीं है, और आप किसान के विशेषज्ञ बने हुए हैं। किसानों को, सुनीत जी, किसानों को सियासी दलों का समर्थन नहीं चाहिए। मैं बार बार महाभारत में कहती हूँ, राजनीति को जिंदा रखने की, जिंदा रखने के लिए जो जड़ी बूटी ढूंढ रहे हैं उसमें सुन लीजिए, उन्हें भी नकार रहे हैं, उन्हें नकार रहे हैं किसान। समर्थन करते रहेंगे सर, मुझे तो चौधरी सवित, हाँ सुनीत जी, ये देखिए मुझे तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग किसान की लाशों पर भी राजनीति करने वाले हैं। किसान के फायदे के लिए सरकार अगर कानून लाती है, एक चीज पूछती हूँ, आप कौन हो, आप कितने किसान हितों में, दानिश कुरैशी आप बोल रहे हैं किसान हितों में, एक मिनट रुक जाइए दानिश जी, एक मिनट रुक जाइए, मैं इकबाल सिंह लालपुरा के पास जा रही हूँ। इकबाल जी को लीजिए। इकबाल जी, मुझे एक बात बताइए, लेकिन खुद निकल कर चले गए, इसे ही कहते हैं आग लगाना और खुद भाग जाना। देखो, अगर ये लोग पहले से ठीक काम करते तो ये लोग आज सत्ता में होते। अगर ये लोग ठीक से काम करते तो यही लोग सत्ता में होते। इन्होंने ठीक से काम नहीं किया, किसानों के मुद्दे पे काम नहीं किया, तो किसानों ने मोदी जी को वोट दी आसाम में, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ भी किसान अब ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो 30 तारीख को मीटिंग होने वाली है उसमें कुछ न कुछ
मोदी जी अच्छा करेंगे और किसान को विपक्ष ना मानकर अपना मानकर कुछ फैसला लेंगे और अच्छा फैसला होगा। लग रहा है सर, जो है किसान हुए लग रहे हैं जो जो किसानों के कंधे पे रख के अपना फायदा लेना चाहते हैं। चौधरी किसानों को दोष चौधरी साहब, मैं आपसे पूछूंगी चौधरी साहब, एक बार किशन वीर जी को लीजिए, मैं आपके पास इकबाल जी उसके बाद आ रही हूँ, एक मिनट सुनिए।